तो जी आज हम लोग जाने वाले हैं क्रूज के टूर पर। गया दिखा एक बार अपना लुक, ये देख सकते हैं। और किसी भी क्रूज पर जी ये हमारा पहला ट्रिप है। लोग आ गए हैं जी टैटू स्टूडियो में, जहाँ पर रुद्र भाई जो है अपना टैटू लगवाए थे। लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे लाइन देख सकते हैं कितनी भीड़। तो उधर है जी हमारा क्रूज, सभी लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ बगल में आ गया है जी लेक्सिकॉन सीट, सबसे पहले थी। यहाँ पे अब हो गया है डिनर का टाइम। डिनर में है ये बहुत सारा खाना है और डांस पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा हुआ। इतना डांस किया सभी ने, पूछिए मत। बोल खोल दिया है कैमरे पे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो हम लोग नहाने के बाद सो गए थे और क्रियांश भी सो गया था। क्रियांश और अभी क्रियांश के लिए आया हुआ है फ्रेंच फ्राइज, जो कि क्रियांश को बहुत पसंद है। गर्म है बहुत, अभी इसलिए नहीं दे रहे। अच्छा, कितना खुश है। पूछो दो, पहले पूछो दो भाई, अभी हम खाएंगे भाई डांस। इतना पसंद है तुमको, जितना खाता नहीं उतना एक्साइटमेंट का। यश कैसे लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है? गिरा दिया तुम, पूछी इससे नजर लगी, हटा कैमरा। कैसा लग रहा है? निकाल लिया नीचे से वो। पापा कुछ लेगा? अरे वाह, मम्मा को नहीं देगा, मम्मा को सिर्फ पापा को देता है। ये देखिए कहाँ भी भाई, नहीं मामा मंगा के दी, बताओ। मम्मा कोई नहीं दे रहा। हम बोले क्रियांश को पसंद है, यही मंगाइए जो क्रियांश भी खाएगा, और हम ही को नहीं देता ये लड़का। गलत बात। Three hours later. तो जी आज हम लोग जाने वाले हैं क्रूज के टूर पर। गोवा आए हैं और क्रूज का टूर ना करे ऐसा कैसे हो सकता है जी। तो बहुत जगह जाकर के रेट पता किया और एक जगह जो हमें सबसे बेस्ट रेट मिल गया, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और उस क्रूज पर जो है म्यूजिक भी होगा, डांस भी होगा, और उसके बाद जो है फूड भी है और ड्रिंक भी है। तो ड्रिंक में दोनों तरह का, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक, तो अच्छा है जी वहाँ पर। तो हम लोग सभी लोग चलेंगे और वहाँ पर जो है पिक एंड ड्रॉप का भी फैसिलिटी अवेलेबल था, लेकिन पिक एंड ड्रॉप का जो फैसिलिटी है हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास खुद ही बाइक है, तो बाइक से वहाँ पर आराम से चले जाएंगे। और जिया को देख सकते हैं, जिया अपना रेड ड्रेस में। जिया दिखा एक बार अपना लुक, ये देख सकते हैं। हाँ हाँ, और हमारा लुक आपको दिखा देते। हमारा लुक है जी कुछ ऐसा, गोवन लुक में है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा और जिया का ड्रेस कैसा लग रहा है। और साथ में क्रियांश है अपने, जो एक यूजुअल इसका ड्रेस होता है। हाँ, इसमें गोवन लुक में जो है इसको बीच पर लेकर के गए थे, लेकिन अभी इसका वो कपड़ा मिल नहीं रहा है, नहीं तो सोचे थे एक बार और बीच वाला ही लुक रहता तो और अच्छा लगता है। लुक है इसके पास, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो अब समय हो गया है, निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो हम लोग जी यहाँ से अब चल रहे हैं नीचे, और बाहर ही हमारी बाइक लगी हुई है, तो चलते हैं। और किसी भी क्रूज पर जी ये हमारा पहला ट्रिप है, इससे पहले हमने जो है किसी भी क्रूज पर जो है टूर नहीं किया था। हाँ, गोवा में जो है बोट हाउस किया था, लेकिन वो भी बोट हाउस अलग चीज हुआ जी, सॉरी केरला में, लेकिन वो जो है अलग एक्सपीरियंस है जी। और यहाँ थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, और देखते हैं कैसा माहौल रहता है वहाँ का। क्या कर रहा है। और हमारा जो रिसोर्ट है जी, उसका लुक कुछ ऐसा है, रात के समय में देख सकते हैं, स्विमिंग पूल है। और यहाँ का लाइटिंग देखिए जी, बहुत ही जबरदस्त है, और वहाँ स्टार। तो क्रिसमस की तैयारी जोरों शोरों पर है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जी, रुद्र भाई जहाँ पर स्टे किए हुए हैं, और पूजा जी, और क्रियांश को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो क्रियांश खेल रहा है। क्रियांश क्या कर रहा है? वह स्विमिंग पूल में जाने का तैयारी है इसका। तो रुद्र भाई का जो है रूम इधर है, और जो उनके दोस्त है उनका कुछ इधर रूम है। ये आप लोग टैटू बनवा रहे थे इधर, ये शॉपिंग कर रही थी। आप करवाए। अच्छा, पर सभी लोग जी जींस पहने हुए हैं और फुल शर्ट पहने हुए हैं, तो इस बात का हुआ कि हमें भी जो है पहन लेना चाहिए फुल जींस एक, तो हम भी वही पहन लेते हैं या चेंज कर लेते हैं। ये वाला बढ़िया लग रहा है। जहाँ पर रुद्र भाई जो है अपना टैटू लगवाए थे, सीन कुछ ऐसा हो गया है। रुद्र भाई को जो है ध्यान नहीं था कि जब वो टैटू लगवाए हैं तो वो किसी भी तरह का वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इन्होंने जो बुक कर लिया हमारे साथ, हमें भी ध्यान नहीं रहा बताया ऐसा करके। और जब सब कुछ बुक हो गया तब हम लोगों को ध्यान आया कि अच्छा नहीं प्रॉब्लम, तो उसका एक जो सॉल्यूशन निकाला गया अल्टरनेट, वह है कि उसके ऊपर वो कवर लगा रहे। कितना दिन तक टिकेगा? 7 दिन तक। 24 घंटा गारंटी दे रहे हैं। चलिए बढ़िया, बस एक्टिविटी कर लीजिए आप।
उससे ज्यादा पेन से हाँ, वो तो है, एक सप्ताह तक नहीं उठाएंगे। 20 minutes later. तो उनके टैटू को कवर करने का जो है काम हो गया है, और इसके बाद जो है अब हम लोग पहुंच रहे हैं जस्ट अपने क्रूज के पास। गाड़ी को पार्क में लगा दिया है। भैया हो चुकी है बुकिंग, जगह जगह आपको मिल जाएंगे एजेंट जो कहेंगे ये क्रूज के लिए, कसिनो के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो हमारा तो बुकिंग पहले से है, चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लाइन देख सकते हैं कितनी भीड़, बहुत भीड़ है। हम लोगों को तो लगा कि आज छूट जाएगा, बट टाइमली पहुंच चुके हैं। और भीड़ देख लीजिए कितनी, उम्मीद नहीं किया था क्रूज पर इतने सारे लोग चलेंगे। तो उधर है जी हमारा क्रूज, सभी लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ पर लगभग हम लोगों को 10-15 मिनट वेट करना पड़ा है, क्योंकि बाकी जो लोग थे जो क्रूज में पहले से बैठे हुए थे वो लोग उतर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक राउंड हो चुका है इस क्रूज का, और शायद अब हम किसी और राउंड में बैठ रहे हैं। तो देखते हैं जी कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का। तो यह क्रूज जी चल चुकी है, हम लोग सोच रहे थे किसी क्रूज में जाने वाले, सॉरी, लेकिन यह जो है अलग क्रूज है, यह एलेक्सिकन और हमारा है पोलो। और क्रियांश जो है इस मोबाइल को इधर उधर कर रहा है, देख रहे हैं इधर क्या, क्रियांश कहाँ गया ये क्या कर रहा है। तो यहाँ बगल में आ गया है जी लेक्सिकॉन सीट, जो की हमसे पहले थी, और ये देख सकते हैं बाजार ओपन रूम। तो हम लोग आ गए हैं जी बाहर, अंदर में चल रहे हैं पार्टी, बहुत ही अच्छा माहौल है। और उसके बाद यहाँ से जो है नज़ारा कुछ काफी अच्छा ज्यादा लग रहा है। हम लोग अभी तक ऊपर वाले डेक से नीचे वाले डेक पर आ गए, क्योंकि यहाँ जो है पानी बड़ा नजदीक से दिख रहा है। ये नज़ारा जो है और ये बेहतरीन बना रहा है, और क्रियांश भी इधर खूब घूम रहा है, इतना मस्ती कर रहा है। क्या तो कह रहा है हमें गोदी से उतार दो, हम लोग घूमेंगे। लेकिन यह घर रहा है जी, कहीं कहीं पर सीढ़ी है, कहीं कहीं पर कुछ है, इसलिए कुछ देर में दिक्कत नहीं हो जाए, इसलिए हम जैसे नहीं उतार रहे। बाकी आगे हो सकता है जी नहीं हो। A few moments later. प्रियांश डांस करो। यहाँ पे अब हो गया डिनर का टाइम, डिनर में है ये, बहुत सारा खाना है और ये खा रहे हैं और प्रियांश को खिला रहे हैं। यहाँ सभी लोग खा रहे, पूजा खा रही है, भाई खा रहे हैं, और इधर ये लोग भी खा रहे हैं। यहाँ पे मैं बैठी हूँ प्रियांश को लेकर के, पहले ये खा ले फिर मैं खाऊंगी। बिल्कुल जी, हमारा ऐसा ही राउंड लगते रहता है, एक बार कोई खाता है दूसरा वो पकड़ता है। राउंड नहीं लगता है, पहला राउंड इन्हीं का रहता है, फिर मैं खाते हैं। यहाँ पे प्रियांश पूरा इंजॉय कर रहा है। यहाँ पर जी बोट राइड यहीं पर हम लोगों का खत्म हुआ, और डांस पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा हुआ, इतना डांस किया है सभी ने, पूछिए मत। मतलब जिन्होंने कपड़ा भी पी रखा होगा सारा नशा उतर गया होगा उनका, है ना। बहुत मजा आया जी यहाँ पर, और अब जो है बोट जो है लगने वाली है किनारे पर, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो काफी अच्छा लगा, और इसके बाद अगले दिन क्या करते हैं वो आपको मालूम चलेगा अगले ब्लॉग में। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो सभी लोग जी उतर गए हैं बोट से, और यहाँ से अब हम लोगों को जाना है अपना घर, और अपने घर पर जा करके जो है फिर अगले दिन का प्लान है। और अगले दिन जो है हम लोग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे। हम लोगों का साथ दिया इतने लाउड म्यूजिक में भी, क्रियांश ने पूरा डांस किया, पूरा क्रियांश भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हमें लगता था कि क्रियांश जो है डर जाएगा, और मतलब क्रियांश अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया। बिल्कुल जी, जब भी लाउड म्यूजिक बजता था हमारे इधर डीजे या कुछ भी, तो क्रियांश जो रोने लगता था उस तेज आवाज से और कान बंद करने लगता था, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ और क्रियांश ने भी साथ दिया। बिल्कुल, उसके बाद अब बड़ा भी होते जा रहा है ना, और अब जो है इसको जा करके रास्ते में दूध पिला लेना, अगर रास्ते में सो जाए बहुत अच्छा,
क्योंकि हो सकता है रास्ते में जूस पिया है ना।